गुड मॉर्निंग स्टूडेंट भाई, हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था कॉनिक सेक्शन चैप्टर। कॉनिक सेक्शन, और उसमें कॉनिक सेक्शन में हमने एक फर्स्ट किया था पैराबोला, और पैराबोला में आपने डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स या चित्र पढ़े थे, वही चीज आज यूज होंगी भी। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, एलिप्स। एलिप्स में क्या होगा? एलिप्स में क्या होगा इसमें देखते हैं, एलिप्स के बारे में भी क्या कुछ है। एलिप्स के बारे में देखोगे तो फिर क्या आएगा भाई, देखो जो पैराबोला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि उनका जो फिक्स पॉइंट था उससे हमारा कॉमन रेशियो जो था डायरेक्ट्रिक्स, देखो इस तरह पढ़ा था पैराबोला हमने ये, और यहां पर जो भी था यहां फोकस से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका एस पी एम जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम एस से फोकस, इसको हम पी कोई जनरल पॉइंट, एम है डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर। यदि एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू वन आ जाए इनका कोण, कॉन्स्टेंट रेशियो आए, तो उसको हम क्या कहते थे, पैराबोला। और अब इसमें आ जाए यदि इसका रेशियो वन से कम आ जाए तो वो एलिप्स बनेगा भी। यदि इनका कॉमन रेशियो है, इन कॉमन रेशियो कहते हैं, इनका रेशियो है एस पी अपॉन पी एम का रेशियो वन से लेस देन वन आ जाए तो क्या बनेगा, एलिप्स। और इस रेशियो को हम किससे लिखते हैं, ई के द्वारा। इस रेशियो को हम किससे लिखते हैं भी, ई। ये ई के इक्वल है तो एस पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई पी एम बन जाएगा। तो ये एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है वो बताएंगे, देखो ये था हमारा एलिप्स का को किस तरह क्या बनेगा वो, यानी रेशियो आएगा, और इस रेशियो जो ई है उसको क्या कहते हैं भी, इसेंट्रिसिटी। तो एलिप्स का देखो भी, एलिप्स की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो ये होती है भी, देखो एलिप्स का डायग्राम बताया था मैंने आपको, जब कोण को थोड़ा पैरेलल की बजाय इस तरह कहें उसको काटते हैं, हम कोण को इस तरह काटते हैं तो यहां जो पार्ट होगा वो थोड़ा इस तरह बनेगा, एग के टाइप का बनेगा, और एग के टाइप का बनेगा तो हम इस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें तो थोड़ा चपटा हुआ इस तरह बनेगा, या इसको हम इस तरह बना सकते हैं, इस तरह भी बन सकता है इसको। तो इसका देखो क्या होगा, इसमें फोकी होंगे, फोकस की जगह क्या होंगे, फोकी, इसका प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल जो भी होते हैं आप उसमें, यानी प्लूरल होगा फोकस का। इसमें क्या होगा, फोकस इसमें डबल होंगे, एक तो यहां होगा फिक्स पॉइंट और एक फिक्स पॉइंट, ये एस है तो ये एस डैश है, इसके वर्टिसेस दो होंगे, वर्टेक्स का प्लूरल में वर्टिसेस एक ए होगा और ये होगा ए डैश। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स भी डबल होंगी, एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। एलिप्स में आपके फोकी हो गए, ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स वर्टिसेस हो गए और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। और इसका रिलेशन यानी एस पी और पी एम, इसका रेशियो वन से कम आएगा हमेशा, एस पी अपॉन पी एम करोगे तो रेशियो वन से कम आएगा, और वो कम आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिप्स बनेगी, और इसको हम क्या लिखें, ई के द्वारा, तो एस पी इक्वल टू ई पी एम हो जाएगा। ये तो था भी एलिप्स के बारे में, इसको समझ गए, फोकी वर्टिसेस और डायरेक्ट्रिक्स इसमें डबल होंगे इससे। अब इसमें कुछ पॉइंट है, ए और ए डैश को बता दिया, अब इसमें क्या कहलाएंगे, ये आपके वर्टिसेस हो गए, और सेकंड क्या है, अब इसमें एक और देखो, ए और ए डैश जिस तरफ ये चपटी होगी इसको एक्सिस बोलेंगे, एलिप्स की इसको कहेंगे मेजर एक्सिस, ए और ए डैश को कहेंगे मेजर एक्सिस, और बी, यहां बी डैश और बी है
उसको कहेंगे माइनर एक्सिस। इसको क्या कह देंगे? माइनर एक्सिस। बी बी डैश को क्या कहेंगे? बी बी डैश को कहेंगे माइनर एक्सिस। ये याद रखना भी। ए ए डैश को मेजर एक्सिस और बी बी डैश को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये आपका इस तरह भी होगा, जब इस तरह बनेगा, ये तो था इसी तरह का भी, और यदि इस तरह बन गया आपका, इस तरह चपटा बन गया, तो मेजर एक्सिस अब ये हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? माइनर एक्सिस। वर्टिसेस के बीच की लेंथ को कहेंगे मेजर एक्सिस। ये दोनों को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वैसे दोनों का कॉमन नेम है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस और मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पे ये चपटा होगा उस साइड का क्या होगा? मेजर एक्सिस। दूसरे का होगा माइनर एक्सिस। अब इसकी इक्वेशन होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन और ए ग्रेटर देन बी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चपटी हुई एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे? वो हम इसके नीचे जो ए होगा उसको देख के बताएंगे। ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। यदि एक्स के अपॉन में बड़ा है तो ये इस तरह बनेगी, और यदि y के अपॉन में बड़ा है a, यानी y के अपॉन वाली वैल्यू बड़ी है ग्रेटर देन है, तो फिर इस तरह y एक्सिस पे बन जाएगी ये चपटी हुई। ये जरूर है ना, किसके नीचे बड़ा है उसी को हम a बोलेंगे। a ऑलवेज ग्रेटर देन b, और a होगा तब हम उसकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सब निकालना सीखेंगे। एक तो ये हो गया भाई, और दोनों का क्या है? दोनों को हम बोलेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेजर एक्सिस की डिस्टेंस निकालना होगा, तो यहां हमें ए और बी की वैल्यू मालूम है, तो मेजर एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मेजर एक्सिस यानी ए डैश ए की होती है टू ए की इक्वल, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो ए है, तो ए इधर होगी और ए इधर होगी, तो इसकी मेजर एक्सिस क्या होगी? ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी? 2a, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो a इस साइड और a इस साइड, तो ये होगी 2a। और माइनर की कितनी हो जाएगी? b b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2b। ये माइनर एक्सिस की लेंथ है, ये मेजर एक्सिस की लेंथ है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बीच में क्या कुछ है। नेक्स्ट है इसमें इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है? ई से डिनोट करते हैं, और ई क्या होता है? ये एस पी अपॉन में पी एम लेस देन वन के होता है, और इसको हम ई के इक्वल बोलते हैं। तो ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल होगी? वो ई की वैल्यू होगी ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर रूट से बाहर ए। आपने एलिप्स की इक्वेशन पता है, इसको लेके चल रहे हैं जो बता रहे हैं, वो इसका एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू वन और ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये जरूर कंडीशन है। ये ए देखो इधर भी आ सकता है और इधर, जो नीचे जिसके बड़ा होगा उसी को ए बोलेंगे। तो फिलहाल इस तरह लेके चल रहे हैं, ए की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी हमें निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का रूट अपॉन में ए, ये हो गया। मेजर एक्सिस की लेंथ बता दी आपको। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था? इन दोनों के बीच की वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ये वाली परपेंडिकुलर जो फिक्स पॉइंट से पास होती है, फिक्स पॉइंट से पास होगी वो लेंथ किसके इक्वल होगी? 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a, वो लेटस रेक्टम की लेंथ होगी भी। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी? 2b स्क्वायर अपॉन a, ये फॉर्मूला याद रखना। और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, वो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगी भी, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये होगी, और यहां इसके कोऑर्डिनेट ये ए होता है, इसके कोऑर्डिनेट एस के क्या होंगे? ए ई और जीरो प्लस माइनस ए ई और जीरो, ये फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं। उसमें था हमारा ए, ए तो बाहर गया, ई की वैल्यू है वो यहां पर आ जाएगी, यानी क्या होगा? ए ई, क्योंकि ई की वैल्यू है वो वन से लेस देन है, इसको हमने
ई बोल रहा है और ई है वो वन से लेस देन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ई के इक्वल बोलते हैं और ये वन से लेस देन है, तो ए के साथ किसी की लेस देन जी वन से छोटी वैल्यू की मल्टीप्लाई करें तो अंदर आएगी, तो ये क्या हो गया ए ई और जीरो, ये फोकी के कोऑर्डिनेट होंगे कि जो फिक्स पॉइंट होंगे, तो ए और ई तो लेटेस्ट रेक्टम की तो यहां से जाएगी, तो एच इक्वल टू प्लस माइनस ए ई माइनस ये प्लस ये, तो ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी, तो इस तरह निकालेंगे भी। अब मैं थोड़ा इसका एक ग्राफ के द्वारा करवाता हूँ, वो देखना है एक बार टेबल बना के क्या क्या कुछ होता है, जैसे ये एलिप्स है और एक एलिप्स ये है, ये वाले ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ये ए यहां पर हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, ये फोकी हो जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, इस तरह हो जाएंगे। अब इसमें देखो क्या क्या है, पहले फॉर्म देखो, फॉर्म यहां पर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, और यहां पर है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब वो सेकंड वाला बढ़ गया, ए स्क्वायर वाई के अपॉन में आ गया, यानी ए की वैल्यू बी से ग्रेटर रहती है हमेशा, तो ए अब ये बन गया तो इस तरह बढ़ जाएगी, और ये भी एक्स के अपॉन में तो इस तरह बनेगी आपकी एलिप्स की इक्वेशन। अब देखो सेंटर, पहले तो है सेंटर, सेंटर दोनों के ओरिजिन पे है, सेंटर इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, सेंटर है वो क्या होंगे जीरो जीरो बोथ के। सेकेंड है वर्टिसेस, वर्टिसेस में क्या होगा, इसका है प्लस माइनस ए और जीरो, प्लस ए इधर माइनस ए इधर, इसी तरह ए उसमें चला गया तो इसमें हो जाएगा जीरो प्लस माइनस ए, वाई एक्सिस पे इसके वर्टिसेस होंगे तो प्लस माइनस ए वर्टिसेस हो गया। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी के क्या होंगे भी प्लस माइनस ए और जीरो, इसमें हो जाएगा जीरो प्लस माइनस ए, ये फोकी के कोऑर्डिनेट हो गए भी। अगर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस यानी ये है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस पे y इक्वल टू जीरो होता है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन, मेजर एक्सिस इसका होगा y इक्वल टू जीरो, इसका होगा x इक्वल टू जीरो, इसी तरह माइनर एक्सिस का निकालेंगे तो माइनर एक्सिस इसमें x इक्वल टू जीरो इसकी, और इसमें माइनर हो जाएगा y इक्वल टू जीरो, ये माइनर की होगी भी। और फिर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, और इसमें भी 2a ही होगी, जो ए मानो उसी का होगा। माइनर के लेंथ किसके इक्वल होती है, ये 2b होती है, इसकी भी 2b होती है, और ये आपको बताया जैसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, प्लस माइनस a अपॉन e, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये हमें लेटेस्ट रेक्टम की बताई थी भी, लेटेस्ट रेक्टम की क्या बताई थी x इक्वल टू प्लस माइनस ए, हम डायरेक्ट्रिक्स की निकालें तो डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, प्लस का इधर माइनस का ये, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी a अपॉन ई, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो बताया दिया था, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा 2b स्क्वायर अपॉन a की। तो इस तरह ये कंप्लीट टेबल बन गई। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, वो देखना भी कि इस तरह क्या क्वेश्चन है, आराम से निकाल लो, यदि आपके फॉर्मूले ध्यान में आ गए तो आराम से देखो, एक्सरसाइज करते हैं आराम से होंगे, किस तरह क्या क्वेश्चन है वो देखो। फॉर द फॉलोइंग एलिप्स फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, क्या क्या निकालना वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर और माइनर, माइनर एक्सिस की इसेंट्रिसिटी यानी ई, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट किसका भी वर्टिसेस फोकी
और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब पहली है भी 4x² + 9y² 4x² + 9y² = 1। ये तो हम पहले तो उसको a प्लस x² / a² की फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो इसको लिख सकते हैं x² / 1/4 + y² / 1/9 = 1, क्योंकि पलटी होकर ऊपर चला जाएगा तो ये ही बन जाएगा। अब इसको लिखेंगे x² / 1/2 + y² / 1/3 = 1, ये बन गया। अब बड़ा कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ये देखोगे, देखने की बात है। 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे या 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल ये आएगा, तो ये बड़ा होगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आराम से सारा निकाल दोगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है भी 2a के इक्वल, ये ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो इसका मेजर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा 2 × में मेजर एक्सिस होगा 2 × a, ए हमारा 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल 1। माइनस एक्सिस होगा 2b के इक्वल और यानी 2b, बी हमारा 1/3 तो ये आ जाएगा 2/3। ई क्या बताया था, ई बताया था √a² - b² / a, ये e की वैल्यू होती है भी। तो a स्क्वायर हमारा कितना भी 1/4 - 1/9 / 1/2 ये होता था। a स्क्वायर करोगे तो 1/4, एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 36, तो ये आ जाएंगे 9 जा और ये आ जाएंगे 9 × 4 जा, तो ये आ जाए 5/36 का मतलब 6 और ऊपर रूट क्योंकि रूट है और अपॉन में 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से ये 3 तो √5/3 आ गया। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गया √5/3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये किस पे बनी हुई है, ये x/a है तो इसका मतलब इस तरह बना हुआ है, इस तरह चपटा बना हुआ है x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे वर्टिसेस क्या होते हैं ±a, तो ±1/2 और 0 ये होगा। फोकी क्या होता है ±ae, तो फोकी ±1/2 × √5/3 0 ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भी x = ±a/e, a हमारा है कितना भी 1/2 √5/3 यानी 3/2 √5 ±, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन निकालेंगे, आराम से होते जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो किस तरह क्या करेंगे, समझ में आ जाएगा इसी का। ये दोबारा लिख लेते हैं, ये अभी हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, फिर क्या निकालना है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ई की वैल्यू, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, फिर फोकी, फिर निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन दे रखी है भी हमें 9x²
प्लस 4y² इक्वल टू 36। अब यहाँ पर देखो, पहले उसी तरह बनाएंगे हम एलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्म में, x² / a² प्लस y² / b इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 में बनाना है। 1 में बनाएंगे, क्या करें, 36 से डिवाइड कर दें। 36 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, x² / 4, ये आएगा y² / 9 और ये आ जाएगा 1 के इक्वल। ये होगा x² / 2 का होल स्क्वायर प्लस y² / 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर ये कहेंगे या इसको कहेंगे, जो बड़ा होगा उसी को ये कहेंगे, तो 3 बड़ा है 2 से, तो ए अब हमारा ये हो गया, ध्यान रखना ए ये है। और इसका डायग्राम बनेगा तो वो वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे ये चपटा बनेगा भी। अब इसका निकाल दे, देखो ये ए तो वर्टिसेस क्या होगा, माइन ये प्लस 3 माइनस 3 माइनस, यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 2। अब इसकी लेंथ होगी वो 2a की इक्वल होगी। पहले तो देखो मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस ये कराएगी, मेजर है ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू है 2। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, 2a, 2 इंटू 3 यानी 6। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2 इंटू बी, 2 इंटू 2 यानी 4। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता है किसके इक्वल, √a² - b² / a। a² हमारे पास क्या है, 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर 4 अपॉन में a 3, ये हो गया √5/3। ये इसेंट्रिसिटी आ गई, e की वैल्यू आ गई √5/3। वर्टिसेस क्या होंगे ये बता दिया, वर्टिसेस होंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 + -3, क्योंकि y एक्सिस पे है तो y की तरफ आ जाएंगे। फिर फोकी क्या होते हैं, a (e), तो ये आ जाएगा 0 + -ae यानी √5/3e और इंटू ए हमारा 3 है तो 3 से 3 कैंसिल होके ये बचेगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती, y = ± a/e, a कितना हमारा, a है 3 अपॉन e है √5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 9/√5 ± ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। आराम से कर लोगे, यदि क्वेश्चन है फॉर्मूले आराम से समझ लिए, क्या चीज ध्यान में रखो, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होती है, वर्टिसेस कौन से होते हैं, फोकस क्या होता है, इस तरह आराम से निकल जाएंगे। लेटेस्ट रेक्टम या माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी होती है, आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। फाइंड द इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या देखा है, ऑफ द एलिप्स इफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल आती है, 2b² / a। लेटेस्ट रेक्टम किसकी इक्वल होती है, 2b² / a, 2b² / a, 2b² / a, ग्रीन पर नीचे हमारे में बोला कौन सा, आप क्या लेना, अजय सर को पता है, आप ढूंढे ऊपर वाले उसमें, तो ये होगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 2b² / a। और ये क्या गिवन दे रखे हैं अभी हमें, देखो क्या है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए एलिप्स इफ लेटेस्ट रेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। जो माइनर एक्सिस से हाफ है लेटेस्ट रेक्टम, यानी 2b² / a, वो किससे है, माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b, और उससे हाफ है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बी से बी कैंसिल होके यहां 1 बचेगा, यानी 2b = a आ गया, 2b = a, या b की वैल्यू हम क्या करते हैं, a/2, ये आ जाएगा।
बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई टू। और हमें पता है ई इक्वल टू क्या होता है, रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो ई इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू ए बाई टू, तो स्क्वेयर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वेयर बाई फोर अपॉन ए। ये एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर ए क्यू स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन फोर अपॉन में ए, यानी रूट थ्री ए स्क्वेयर अपॉन फोर का स्क्वेयर रूट टू। और इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो रूट थ्री ए अलग से अपॉन में टू ए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू रूट थ्री बाय टू आ जाएगी, ये ई आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या कंडीशन दे रखी है कि जो लेटेस्ट एक्टम है वो माइनर एक्सिस की हाफ है, तो वो हम इससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या होगा, अभी सर ने चेक किया था हमारे, ये कौन से सर ने, हमारे अजय सर ने। प्रिंसिपल लिखा है, ये सेकंड देखो एक बार, इसको ये रख दो सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग गिवन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए और इक्वेशन बतानी है एलिप्स की। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस है एट जीरो प्लस माइनस टेन, और ई है वो है फोर अपॉन फाइव, 4 अपॉन 5। तो वर्टिसेस दे रखे हैं, कंडीशन इक्वेशन बताने। अच्छा ये बताओ, वर्टिसेस को देखते ही पता चल गया कि हमारा डायग्राम किस तरह बनेगा। हमारा डायग्राम ये बनेगा क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस का इसका कर देंगे, तो वाई एक्सिस पे इसको कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई के दे रखे वर्टिसेस, तो इस पर आराम से बनाए। वर्टिसेस कौन से होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये वाले। तो यहां टेन है, यहां माइनस टेन है, और वर्टिसेस होता है प्लस माइनस ए। तो इसका मतलब ए की वैल्यू मिल गई हमें टेन, ए की वैल्यू टेन मिल गई। और हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी हम उसी फॉर्मूले से निकालते हैं, तो वो क्या बनेगा, बी की वैल्यू किसके इक्वल निकालेंगे अभी वो देखो। हमारे पास ये होता है इक्वल टू, इक्वल टू किसके इक्वल होगा भी, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये होता है ई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए। तो इस ए की इधर मल्टीप्लाई कर देती है, हो जाएगा ई ए, और माइनस में ए स्क्वेयर होगा, ये ई ए इधर करें तो ये होगा रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो ई ए का स्क्वेयर, इधर रूट कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस ई ए का होल स्क्वेयर, ये होता है बी स्क्वेयर, और बी की वैल्यू इसके ऊपर स्क्वेयर रूट आ जाएगी। तो इससे हम बी की वैल्यू निकालें, बी स्क्वेयर की वैल्यू, तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का मतलब 100 माइनस ए ई का स्क्वेयर, ए ई का स्क्वेयर,
ए हमारा 10 और ई है 4/5, 5 से कैंसिल करेंगे 2 पे और ये आ जाएंगे 4×2 = 8 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, तो बी स्क्वायर हो गया 36, बी की वैल्यू होगी 60। इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन यहां पर वाई एक्सिस पे बना है तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में बी आएगा भी, यानी 36 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा 100 = 1, ये हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखो बीसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो कर लोगे। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एंड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए वो एलिप्स की इक्वेशन देखो। वर्टिसेस अभी प्लस माइनस 13 और 0, ये वर्टिसेस हैं और फोकी है वो है प्लस माइनस 5 और 0, ये वर्टिसेस हैं, ये फोकी है, तो इसका किस तरह बनाओगे आप कंडीशन, तो इसमें देखो वर्टिसेस का करने के लिए क्या करोगे, अब हमें पता है वर्टिसेस देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है, कोऑर्डिनेट एक्स का है, तो ये इस तरह बनेगी एलिप्स की इक्वेशन, तो ये हो गया 13, ये हो गया माइनस, ये माइनस 13, ये प्लस का 13, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 के इक्वल, ए की वैल्यू 13 के इक्वल आ गई और फोकी होता है हमारा प्लस माइनस ए ई, यानी ए ई की वैल्यू 5 है, तो यहां से इसमें वैल्यू रखेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू है हमारे पास 13 और ए ई की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू 13 रखें तो ई की वैल्यू 5/13, ये ई की वैल्यू आ गई, हमें बी की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू भी ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा 169 माइनस ए ई का होल स्क्वायर और ए ई निकाले तो किसके इक्वल आएगा 13 × E 5/13 का होल स्क्वायर, 13 × 5 = 25, ये रह जाएगा 144 और ये आ जाएगा 12 इक्वल, बी इक्वल टू या बी स्क्वायर की वैल्यू ही रखनी है। इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर किसके अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर ए की वैल्यू 13 आती आएगा 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, तो इस तरह एलिप्स की इक्वेशन निकल जाएगी। और देखो भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20, मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी है वो है 20 और फोकी है वो है 0 ± 5, अब इसको देखते ही पता चल जाएगा भी फोकी को देखते ही कि हमारी जो एलिप्स बनी हुई है वो इस तरह बनी हुई होगी, क्योंकि फोकी है वो वाई एक्सिस पे है, फोकी यहां होते हैं वो वाई एक्सिस पे और फोकी किसके इक्वल होती है ए ई के, मेजर एक्सिस होती है वो किसके इक्वल होगी 2a और वो किसके इक्वल है 20, a की वैल्यू क्या आ गई 10 और ए ई इक्वल टू दे रखा है 5
और ए की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू 5/10 यानी 1/2। बी की वैल्यू निकाल सकते हैं इजी से, बी इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा कितना है 10 का हो जाएगा 100 माइनस ए ई 5 था, ए ई 5 है तो इसका कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएंगे 75। बी स्क्वायर की वैल्यू 75, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 100 इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट, वर्टेक्स दे रखे 0 और 7, वो पता है कि वर्टेक्स 0 और 7 है तो इस तरह बनेगी चपटी, तो ये वर्टेक्स दे रखे है 0 और 7 वर्टेक्स। और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द लाइन, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी वाई इक्वल टू 12 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है भी, डायरेक्ट्रिक्स होती है ए अपॉन ई के इक्वल, वो डायरेक्ट्रिक्स, और वो दे रखी 12 के इक्वल, ए अपॉन ई है 12 और ये ए की वैल्यू वर्टेक्स होता तो ए की वैल्यू 7 और डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ई की वैल्यू 12 तो ए की वैल्यू 7 रख दें तो यहां पर क्या आएगा 7/E = 12, ई को इधर ले जाए तो ई इक्वल टू 7/12, ई की वैल्यू ये आ गई, ए की वैल्यू मालूम है तो बी की वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 49 माइनस ए ई का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 49/144। एलसीएम लोगे बी स्क्वायर इक्वल टू 49 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144 माइनस 1/144, तो ये आ जाएगा 49/143/144, इस तरह इसकी बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू आने के बाद इक्वेशन आराम से बढ़ा सकते हो आप, जिस तरह इक्वेशन बनेगी तो वो इसमें देख लेना भी। डायरेक्ट्रिक्स की ये लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम, लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ए अपॉन ई और ए अपॉन ई का हमारे पास ए की वैल्यू ये था वर्टिसेस दे रखे 7/E = 7/12, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 49 और ये हो जाएगा 49/144, सही है। इस तरह इसकी इक्वेशन बना लोगे सोल्व करके भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 8, लेटेस्ट रेक्टम दे रखी भी, लेटेस्ट रेक्टम वो दे रखी है 8 एंड हुज इसेंट्रिसिटी ई है वो 2/3। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता भी 2b² / a, लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल होता है, लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² / a, वो हमारे पास 8 है, तो इसका मतलब क्या आ गया यहां से इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2b² = 8a/2 यानी 4a, 2b² = 4a आ गया। e की वैल्यू ये दे रखी है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, b और a की वैल्यू निकालनी है और e होता है वो किसके इक्वल बताया था भी a² - b² / a बताया था, यही बताया था ना, तो e की वैल्यू क्या है 2/3 और a² रख देंगे माइनस को बी स्क्वेयर तो बी स्क्वेयर की वैल्यू 4a है तो इसका कितना आ जाएगा बी स्क्वेयर की वैल्यू है वो है 4a/a है, ये है बी स्क्वेयर 2b² / a की वैल्यू 8, बी स्क्वेयर की वैल्यू a मल्टीप्लाई 2/2 से 4a हो जाएगा तो 2b² की वैल्यू 4a हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो 4/9 = a² - 4a/a²
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4a² = 9a² - 36a। 4a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5a² - 36a = 0। a कॉमन लिया तो ये रह गया a माइनस 36, 5a - 36 = 0। a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 36/5। 0 तो होगी नहीं किसी एक, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो a की वैल्यू 36/5, a की वैल्यू यहां रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू आने पर इक्वेशन बना देंगे सर्कल। इस तरह ये करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग पॉइंट 1, 2 एंड फोकस एंड लाइन 3x इज ए डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी इज 1/2। ये देखो भी इसेंट्रिसिटी 1/2 है, ये फोकस है, ये इस तरह बना है, फोकस है वो है 1/2 भी, इसका फोकी दे रखे 1/2 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या डायरेक्ट्रिक्स है वो है 3x + 4y - 5 = 0। इससे ये और इससे ये, यानी ये P है, ये S है, ये M है। अब हमें पता है कि SP = EPM होता है। SP की डिस्टेंस यहाँ XY को जनरल पॉइंट है तो किसकी इक्वल होगा, भी SP की डिस्टेंस निकाले, SP = क्या आएगा, स्क्वेयर रूट X - 1 का और स्क्वेयर +Y - 2 का और स्क्वेयर। और PM निकाले, PM किसकी इक्वल आएगा, PM आएगा 3x + 4y - 5 / √9 + 4 = 16, यानी आएगा 3x + 4y - 5 / √5। अब हमें पता है कि SP = EPM होता है। SP हमारा कितना है, √x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = E की वैल्यू है इसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है 1/2 और PM कितना है 3x + 4y - 5 / √5। इसमें रूट है तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = इसका स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 3x + 4y - 5 का होल स्क्वायर / इसका स्क्वेयर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसका स्क्वेयर खोल के इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वेयर खोलोगे क्या आएगा भी, x² + 1 - 2x। नेक्स्ट को खोलोगे y² + 4 - 4y, ये आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, 9x² + 16y² + 25 - 2ab होता है तो 24xy। और इन दोनों का करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ये 24xy प्लस के आएंगे, पहले दो के बीच में प्लस ही है और ये आ जाएगा 40y और अगले दो में भी आएगा 30x / 100, ये आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x² + 100y² - 100 का 200x और ये आ जाएंगे 400y, 4 + 1 = 5, ये +50, ये आएगा ना अपॉन में 10 का स्क्वायर था भी = इधर क्या रह जाएगा, 9x² + 16y² + 24xy - 40y
माइनस 30x और प्लस के 25, इस सारे को इधर ले जाएंगे तो ये क्या इतना आ जाएंगे 91x2, 16y2 इधर लाएंगे तो ये रह जाएंगे 84y2, माइनस 200x इधर 30 आएगा तो 170x इधर लाएंगे तो इस तरह माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर करके और ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉब्लम है तो वो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।